नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 79वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं टोटल लॉकडाउन में के पार्ट टू के चलते दी गई रियायतों के संबंध में। टोटल लॉकडाउन का पार्ट टू आरंभ हो चुका है। पहले फेज में 21 दिन तक लोग घरों पर बैठे, अब 19 दिन अर्थात 3 मई तक आप घरों पर ही रहें। इस तरह के निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता को दिए गए हैं। देखा जाए तो पहले जो 21 दिन थे उसमें जो तस्वीर देश की निकल के सामने आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई हुआ है तो वो करीब गुरबे ही प्रभावित हुए हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, जो सुबह निकलते हैं शाम को लौट के आते हैं, जब वे लौटते हैं कमा के तब उनके घर में चूल्हा जलता है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। दिहाड़ी मजदूर 14 अप्रैल जिस दिन 21 दिन पूरे हो रहे थे उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टोटल लॉकडाउन के फेज टू की घोषणा की गई वैसे ही उनके चेहरों पर निराशा साफ झलकती दिख रही थी। इसके बाद 15 अप्रैल को सरकार के द्वारा कुछ रियायतें देने की बात कही गई। जैसे ही रियायतों की बात आई वैसे ही दिहाड़ी मजदूर और इस तरीके के लोग जो रोज़ कमाते खाते हैं उन लोगों के चेहरे पर कुछ खुशी साफ परिलक्षित होती दिखी। भारत में इस तरीके के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को घर लौट के जाते हैं, जब वे घर लौट के जाते हैं उसके बाद ही उनके घरों का चूल्हा जल पाता है। इस तरह के लोगों को कम से कम 2 जून की रोटी के संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सराहनीय पहल की गई। चूँकि कोरोना COVID-19 का संक्रमण इस कदर चल रहा है जिसके चलते लोगों को घरों पर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनसे कहा जाता है सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कड़ाई के साथ किया जाए। एक बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि सरकार के द्वारा जो रियायत दी गई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी का पालन कड़ाई से करने की बात कही गई है। इसमें एक बात साफ हो गई है, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की मंशा रोजी रोटी का संकट पैदा नहीं होने देने की है। इसके साथ ही लोगों को एक गांठ बांध लेनी चाहिए। जिस तरीके की रियायतें दी गई है उसमें एक बात को आपको गांठ बांधना होगा, जो भी इन रियायतों के दायरे में आते हैं, जो भी सेवाएं इन रियायतों के दायरे में आ रही हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें एक बात गठान बांध लेनी चाहिए कि भीड़ लगाकर पास पास रहकर आपको काम नहीं करना है, भीड़ को एकत्र नहीं होने देना है। आपको भीड़ एकत्र करके पास पास काफ़ी सारे लोग काफ़ी तादाद में लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो आपको इसके लिए ये छूट या रियायत प्रदान नहीं की गई है। सरकार के दिशा निर्देश इस तरह के मजदूरों के हित में माने जा सकते हैं जो जिनके सामने टोटल लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। इस तरह के निर्देशों में सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि जो वाकई ज़रूरतमंद हैं ये रियायत उनके हित में है। इस तरह की रियायतें 21 अप्रैल से आरंभ होंगी। 20 अप्रैल तक तो किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद करना बेमानी होगी। इसमें बड़ा ही प्लम्बर मोटर मैकेनिक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सुधारने वालों को का शुमार किया गया है। जैसी खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के अनुसार जिस भी वर्ग को ये रियायत दी गई है उस वर्ग में जितने लोग आते हैं उन्हें स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश नियम कायदों का पालन बहुत कड़ाई से करना होगा। उन्हें बाहर निकलने के लिए स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश और पास की ज़रूरत होगी। इसमें एक बात बहुत उचित लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य सरकार अपनी सूबे में उनके राज्यों में जिस तरीके की परिस्थितियां उसके हिसाब से इन रियायतों को घटा और बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो दूध सब्जी राशन दवा मोबाइल प्लम्बर मोटर मैकेनिक पंचर बनाने वाले आदि की इस सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी लोगों को। इसके अलावा भवन निर्माण उद्योग में भी रियायत दी गई पर शर्तों के साथ। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रियायतों को अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था चरमरा ना पाए इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
खेती किसानी के लिए भी रियायत दी गई है, मनरेगा के कामों में भी रियायत दी गई है, जो बहुत राहत की बात मानी जा सकती है। कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि केसेस कोरोना संक्रमित प्रभावित लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उस बीच सरकार का फैसला, नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला एक जोखिम भरा फैसला भी हो सकता है, पर ये जरूरी था। वर्तमान परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए, वे नियम कानून में बंध कर, ताकि रियायतें न केवल बरकरार रहें या कायम रहें, इसे बढ़ाया भी जा सके, इस तरीके के प्रयास करने होंगे। माना कि मजदूर जो अपने परिवार का मुखिया होता है, उसके सामने अपने परिवार को पालने का संकट होता है, इस परिवार को संरक्षण देने की जवाबदेही भी उस मजदूर के ऊपर आहूत होती है, पर रियायत उन्हें अगर दी गई है तो रियायत की मंशा को समझते हुए सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन उन्हें करना चाहिए, मास्क लगाकर उन्हें सरकार की मंशा की लाज भी रखनी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है, गुजारिश करती है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए ये भी हो सकता है कि टोटल लॉकडाउन को एकदम समाप्त, एकाएक समाप्त ना किया जाए, इसके लिए फेजेस सरकार बना सकती है। जिस तरीके की बातें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों से पता चल रही हैं, उसके अनुसार जब तक कोरोना की दवा विकसित नहीं होती तब तक हो सकता है आपकी दिनचर्या सामान्य ना हो पाए। ये एक संक्रमण, कोरोना COVID-19 का संक्रमण बहुत भयावह संक्रमण है। इस संक्रमण की वास्तविकता को समझिए, पैनिक मत होइए। हो सकता है आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको जैसे सामान्य दिनों में मिलती थी वैसी नहीं मिल पाएँ, आगे भी ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो आप पैनिक ना हो, धैर्य रखें, धीरज रखें, जैसे अभी आपने 21-22-23 दिन धीरज रखा, आगे भी आपको धीरज रखने की बहुत ज़रूरत है। देश के हर नागरिक का ये नैतिक दायित्व है कि वह सरकार के दिशा निर्देशों में बंध कर अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानते हुए किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर उसे लांघने का प्रयास ना करे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करती आ रही है, घरों पर ही रहें, घरों से ना निकलें, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, घर से अगर आप निकलते हैं तो घर मास्क जरूर लगाकर निकलें, इसके साथ ही अगर आप घर वापस कभी लौट के जाते हैं तो आप साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथों को पूरी तरह मलते हुए कम से कम 20 सेकंड तक बहते पानी में हाथ जरूर धोएं। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, अपने अपने जिलों के प्रशासन का सहयोग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।